हेलो गाइस, दिस इज शोइकोत। और गाइस, क्या आपको वेट है मोटोरोला की मोटो G6 प्लस का? मैं पर्सनली मोटो जी सीरीज का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मुझे बहुत ही दिन से इंतजार है मोटो G6 प्लस का। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोटोरोला की जी सीरीज का स्मार्टफोन होते हैं बहुत ही टॉप क्वालिटी का, इसलिए मुझे मोटोरोला की जी सीरीज का स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं मोटो G6 प्लस का बहुत ही दिन से इंतजार कर रहा हूँ। और गाइस, मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ इस डिवाइस के बारे में, मोटो G6 प्लस के बारे में। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग इस डिवाइस का बहुत ही दिन से इंतजार कर रहे हो, और पहले ये बोला जा रहा था कि ये डिवाइस हमें देखने को मिलेगा MWC 2018 में, लेकिन ये नहीं हुआ था। लेकिन MWC में मोटोरोला की 2018 का एक टीज हमें देखने को मिला था, जिसे पता लगा था कि कुछ दिन बाद MWC के बाद हमें मिलेगा मोटो की जी सीरीज का और ई सीरीज का स्मार्टफोन। और गाइस, गुड न्यूज़ यह है कि ग्लोबल मार्केट में हमें कुछ ही दिन बाद मिलने वाला है मोटो जी सीरीज का स्मार्टफोन, और साथ ही साथ मोटो ई सीरीज का भी स्मार्टफोन हमें मिलने वाला है कुछ ही दिनों बाद। और गाइस, ये डिवाइस हो चुका है सर्टिफाइड डिफरेंट सर्टिफिकेशन वेबसाइट में, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इससे पता लगता है कि कुछ ही दिन बाद हमें मिलने वाला है मोटो जी सीरीज का स्मार्टफोन और ई सीरीज का भी साथ ही साथ। तो गाइस, हम आशा कर सकते हैं कि ये डिवाइस हमें देखने को मिले अप्रैल में, क्योंकि मार्च अभी खत्म ही हो गया है और कुछ लाइव इवेंट का पता भी नहीं, मोटोरोला की तरफ से कुछ लाइव इवेंट का अनाउंस नहीं किया है मोटोरोला ने। तो हम आशा कर सकते हैं कि अप्रैल की मिडिल में ही हमें ये डिवाइस देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं मोटो G6 प्लस की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाइस, इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा मोटो G6 प्लस में हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 का चिपसेट, और देखने को मिलेगा 3 रैम वेरिएंट जो कि है 3GB, 4GB और 6GB, और देखने को मिलेगा 2 स्टोरेज वेरिएंट जो कि है 32GB और 64GB। तो गाइस, अब बात करते हैं डिस्प्ले और डिजाइनिंग के बारे में। तो गाइस, इस बार मोटो का G6 प्लस डिवाइस होने वाला है बहुत ही यूनिक डिजाइन का, बहुत ही प्रीमियम लगने वाला है ये डिवाइस। और इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा इस बार बेजललेस डिस्प्ले, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले, और बहुत ही कम बेजल हमें देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। और गाइस, बात करें अगर डिस्प्ले साइज की मोटो G6 प्लस का, तो मोटो G6 प्लस में हमें देखने को मिलेगा 5.93 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, और गाइस ये डिवाइस हमें देखने को मिलेगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जो बहुत ही टॉल है और न्यू एस्पेक्ट रेशियो है। और इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा 3D ग्लास बैक पैनल, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रीमियम लगने वाला है ये डिवाइस इसके वजह से। तो गाइस, अब बात करते हैं मोटो G6 प्लस की कैमरा सेक्शन के बारे में। तो गाइस, हम सभी तो जानते हैं कि मोटोरोला की जी सीरीज का स्मार्टफोन में कैमरा बहुत ही अच्छा होता है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है मोटो G6 सीरीज का। और बात करें अगर G6 प्लस की, तो इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप, और जो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और बात करें अगर सेंसर्स की मोटो G6 प्लस का, तो इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा 12 MP प्लस 5 MP का रियर कैमरा सेटअप। और बात करें अगर फ्रंट की, तो फ्रंट में हमें देखने को मिलेगा 16 MP का फ्रंट कैमरा सेटअप मोटो G6 प्लस में। लेकिन गाइस, कैमरा होगा बहुत ही अच्छा, यह है एकदम कॉन्फर्म। तो गाइस, बात करो अगर मोटो G6 प्लस की बैटरी कैपेसिटी की, तो इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा 3250 mAh का बैटरी कैपेसिटी, साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 भी, और देखने को मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट भी मोटो G6 प्लस में। और ये डिवाइस हमें मिलेगा एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स। और अब बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 बहुत ही अच्छा एक चिपसेट है, और ये चिपसेट हम देखे हैं मोटो X4 में, जो कि बहुत ही अच्छा था। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, हमें मिलता है इसमें एड्रीनो 508 का GPU, जो बहुत ही अच्छा है। और गाइस, ओवरऑल ये स्मार्टफोन होने वाला है बहुत ही कमाल, बहुत ही प्रीमियम होने वाला है ये डिवाइस। लेकिन ये थोड़ा लेट है, अब हमारे पास आ गया है रेडमी का रेडमी नोट 5 प्रो, जिसमें हमें देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट। और रेडमी नोट 5 प्रो बहुत ही अच्छा एक स्मार्टफोन है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन गाइस, ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये कुछ भी नहीं है जो बीट कर पाए मोटो G6 प्लस को ओवरऑल परफॉर्मेंस में। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका भी कुछ और हो सकता है। लेकिन गाइस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 में हमें कुछ स्पेशल नहीं देखने को मिलता है, और रेडमी नोट 5 प्रो का कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है। तो गाइस, आप बात करते हैं मोटो G6 प्लस के बारे में। तो मोटो G6 प्लस ये डिवाइस तो हमें मिलेगा अप्रैल में, ये हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि ये है मार्च का एंडिंग और अभी तक मोटोरोला की कोई लाइव इवेंट की खबर नहीं है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि अप्रैल में ही हमें ये डिवाइस मिलेगा। और गाइस, जब भी कोई कॉन्फर्म न्यूज आएगा रिगार्डिंग द रिलीजिंग ऑफ द मोटो G6 प्लस, आई विल अपडेट यू। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, बात करें अगर इस डिवाइस की प्राइसिंग की, तो ये डिवाइस हमें मिलेगा 17,000 की प्राइस रेंज में। और गाइस, अब देखने की बात यह है कि कब आएगा ये डिवाइस और क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलेगा इस डिवाइस में मोटोरोला मोटो G6 प्लस में। लेकिन मैं जो बोला स्पेसिफिकेशंस, उससे लगभग 80% सिमिलर हो जाएगा ये डिवाइस।
और गाइस ओवरऑल इस डिवाइस का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है मिलेगा 5.93 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। और गाइस इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 साइड का चिपसेट, साथ ही साथ देखने को मिलेगा 3 रैम वेरिएंट जो कि है 3GB 4GB और 6GB, और देखने को मिलेगा 2 स्टोरेज वेरिएंट जो कि है 32GB और 64GB, और देखने को मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप ऑन द रियर पैनल जो कि है 12MP प्लस 5MP और 16MP का फ्रंट कैमरा हमें देखने को मिलेगा मोटो G6 प्लस में, और देखने को मिलेगा 3250mAh का बैटरी कैपेसिटी मोटोरोला की मोटो G6 प्लस इस डिवाइस में। ऑल ओवर गाइस इस डिवाइस का FCC और NCC क्लियर हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान में। तो गाइस हम आशा कर सकते हैं क्लियरली कि बहुत ही जल्द हमें मिलने वाला है मोटोरोला की ये स्मार्टफोन्स, साथ ही साथ मोटोरोला की बहुत सारे स्मार्टफोन होने वाला है लॉन्च। एक साथ ये डिवाइस लॉन्च होगा जो कि मोटोरोला मोटो G6, G6 प्लस, G6 प्ले, E5, E5 प्लस और E5 प्ले भी होगा लॉन्च। और गाइस आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस डिवाइस में मोटो G6 प्लस में। मैं तो बहुत ही दिन से इंतजार कर रहा हूँ इस डिवाइस का, और आप क्या कर रहे हैं? तो बस इतना ही इस वीडियो में। आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अच्छी लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा देना, और अगर आप लोगों ने मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दो। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।